ग्रे कलर तो मैंने कर दिया, देख रहा होगा आपको कैसा लग रहा है मुझे बताना, सिर्फ ग्रे कलर, बाकी जितने कलर तो भैया अच्छा ही होगा, तो आपको मैं अच्छे से दिखा रहा हूँ। पर आपकी नजरें जाएगी एक जगह जहाँ पर थोड़ी सी गलती होगी, वो इधर, अभी वो भी ठीक हो जाएगी। दीदी इसमें येलो कलर करेगी डार्क, तो मेरे हिसाब से तो मैंने सही करा, बाकी मैं दीदी से रिव्यू मांग लेता हूँ। दीदी कैसी है, बता मैंने क्यों करा। थैंक यू सो मच। तो भैया और कौन से कलर करने थे इसमें, ग्रीन कलर तो बना दीजिए, ग्रीन ही चाहिए, तो जब नीचे वो पेंटिंग कर रहे थे तो व्हाइट में ना, मतलब कौन सा मिक्स कर रहे थे, ये बैगनी कलर वायलेट रंग मिक्स करके देख रहे थे। सो यार दीदी ने डिसाइड करा कि जो अभी कलर इसने डार्क बनाया अब इसी को ही उसमें पुट कर रही है। वैसे तो ये कह रही है कि लाइट कलर हो रहा है वाला जो दीवार में यहाँ पर वॉल में, पर जो इसने बनाया वो डार्क है, पर देखते हैं। अभी इसने ये वाला कलर करा यहाँ पर, इसने हार मान ली, अभी चेंज कर दिया कलर, ब्लू कलर मिला इसमें। जो अभी डार्क कलर करा था अभी ये वाला हो गया, ये और ये डिफरेंस देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है, तो यही शेड देनी थी। अब इधर ग्रे करने के लिए फिर दोबारा से ये कह रही है, पर अभी जो मैंने पहले करा था इनमें फिर दोबारा से कोट करना पड़ेगा मेरे को ग्रे कलर, करता हूँ फटाफट। तूने बता दिया ना बस, और क्या चाहिए, तो फटाफट मैं इसमें फिर दोबारा से कोट कर देता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ सबसे। सारे अच्छे लग रहे हैं। फाइनली कलर हो चुका है पूरा का पूरा, क्योंकि ये करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लग चुका है हमें, एक कलर को बार बार करे जा रहे डार्क हो ही नहीं रहा था, पर डार्क करने में ही ऐसा हुआ कि एक डार्क हो गया और बाकी सारे के सारे लाइट हो गए। तो भाई अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें जो फाइनल कलरिंग हुई है वॉल पेंटिंग की, दिखाता हूँ सबको धीरे धीरे धीरे। अरे तो मस्त लग रहा था ना, अब देखो भाई ये देखिए, ये लग रहा है ना मस्त, पूरा का पूरा मैंने और दीदी ने करा है। मैंने सिर्फ कलर ये वाला कर रखा है ग्रे और लाइट ग्रे, बाकी सारे के सारे दीदी ने कर रखे हैं, सारा इनोवेटिव आइडिया दीदी का था। सो कैसा लग रहा है बताइए सारे के सारे। ये बैकग्राउंड के लिए बहुत अच्छा हो गया वैसे, है हो गया ना वैसे। सो भाई इसे कहते हैं मेहनत। तो भाई अब देखो कभी मैं जैसे फोटो लेना है वीडियो लेनी है तो आराम से यहाँ पर इस बैकग्राउंड में मैं आराम से वीडियो भी बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले कितना डर था यार, आपने अगर नहीं देखी तो इससे पुराने वाली मेरी वीडियोस देखो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसा था इस रूम में। तो तभी इस वाले रूम को मैंने पूरा का पूरा चेंज कर दिया बदौलत ऑफ दीदी। सो दीदी आपको कैसा, दीदी मैंने भी मेहनत करी तो थैंक यू तुझे बोलना चाहिए मेरे को। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, दोनों एक दूसरे को बोलते थे, पहले तू बोल थैंक यू मेरे को, जब तेरा काम करूं तो बोलो थैंक यू।
ओके भाई, थैंक यू सो मच। तो भैया अगर अच्छा लग रहा हो तो भैया कमेंट करके बोलना, क्योंकि इसमें लगी है पूरी मेहनत। और अभी तक आपको एक चीज बता देता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खा रखा अभी दिन में, और मम्मी तीन चार बारी आ गई कि भैया खा लो, मैं रुक जाओ पहले पूरा कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद आएंगे हम आराम से। लग रहा है अच्छा तो बताना। तो इसकी टेपिंग को हटाओ तभी तो पता चलेगा फाइनल लुक। तो भाई मुझे लग रहा था ये फाइनल लुक है, पर फाइनल नहीं है क्योंकि इसमें अभी कर रखी है हमने टेपिंग, वो टेपिंग अभी निकाल लिया। तो भाई मुझे हल्का फुल्का लग रहा है कि शायद टेप निकालते टाइम तो कुछ इफेक्ट ना पड़े उसमें, कुछ कह नहीं सकते अभी जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं। तो निकालते दीदी, सो भाई देखते हैं कैसा होता है, तो निकालना शुरू करते हैं। सो भाई अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई जो हमने यहाँ से टेप निकाली है, तो यहाँ तक अभी निकाल दिए, तो अभी पूरा का पूरा निकालते हैं, देखते हैं क्या पता ठीक हो। वैसे हमने क्योंकि मेहनत करी है तो हमें लग रहा है कि शायद ये खराब ना हो, पर मैंने आज पहली बार मेहनत हाँ इधर की साइड से कोई दिक्कत नहीं, हल्का से यहाँ पर ही मैं कलर कर दूंगा अभी, क्योंकि टेप चिपक गई थी इसमें, ये देखिए वाली टेप दिख गई आपको। ओके मैं भी यहाँ से निकालना शुरू कर देता हूँ कॉर्नर में से। अरे डरपोक क्या पेटर की महादेश मते साम्राज्य ये क्या हो गया, तू मेरे हाथ में पूरे चिपका दे, रहने दे फिर बाकी कैसे निकालूंगा, अब कच्चे बच्चे बन जा। अभी निकल इतनी आराम से आया, निकल इससे पहले सोच रहा था कि भाई यार देखो बात ये कि जितना टेप लगा ना हाँ वही है बहुत बेटी, पर अब जब ये निकल रहा है ना तो लग रहा है कि हाँ यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दीदी वो निकालिए जरा, तेरा हाथ पहुंच जाएगा हो गया। तो भैया फाइनल लास्ट टेप रह गया। सो भाई अभी तक आपने देखा था टेप वाला लुक, पर अब देखेगा आपको विदाउट टेप का, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मेरे बैकग्राउंड में। मैंने यहाँ पर टेप का लगा और अब देखो बिल्कुल वाइट वाइट स्ट्रिप जैसी होगी पूरी, मेहनत यार मेहनत। अब देखो अगर आपकी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और आप सब भी खुश रहना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट करके बताना आपको कितना अच्छा लगा ये वॉल पेंटिंग, लगी ना ये लगी है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।